सुषमा शेख सावित्रीबाई फूले के मिशन की सबसे मजबूत सहयोगी और साथी शिक्षिका थी। फातिमा शेख के जन्म की तारीख की कोई पुष्टि नहीं होती, पर तकरीबन 200 साल पहले उनका जन्म हुआ था और उनके काम का क्षेत्र अंग्रेजों के जमाने का पुणे था। उनके बारे में क्यों जानना चाहिए? इतिहास में जहां पहला स्कूल खोलने का श्रेय ज्योतिबा फूले को दिया जाता है, तो पहली शिक्षिका के तौर पर नाम सावित्रीबाई फूले और उनकी सहयोगी फातिमा शेख को भी याद किया जाता है। फातिमा शेख ने तकरीबन 175 साल पहले समाज के सबसे दबे कुचले लोगों और खासकर स्त्रियों की तालीम के लिए सावित्रीबाई फूले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 1 जनवरी सन 1848 में पुणे के बुधवार पेठ में जब पहला स्कूल खोला गया, तो सावित्रीबाई के साथ फातिमा शेख भी वहां पढ़ाती थी। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में माहिर माने जाने वाले लोगों के पास भी फातिमा के बारे में खास जानकारी नहीं है, इसलिए उनसे जुड़ी ज्यादातर बातों के तथ्य नहीं मिलते। लेकिन दलितों वंचितों स्त्रियों को तालीम दिलवाने के लिए फूले दंपति को खासी बाधाएं झेलनी पड़ी, विरोध का सामना करना पड़ा और इस असर से फातिमा शेख भी अछूती नहीं रही। इस कदम से क्या बदला? सावित्रीबाई और फातिमा शेख लोगों के विरोध के सामने नहीं झुकी। उन्होंने विरोध के बावजूद स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया और इस साझेदारी ने विरोधियों का सामना एक साथ किया। सावित्रीबाई को फातिमा पर भरोसा था। उनकी गैर हाजिरी में वे स्कूल संभालती थी।